बुरहानपुर जिले में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर पंडित संदीप वाले ने कहा कि सभी लोग सुख समृद्धि के लिए अपने घर में मां नवदुर्गा की आराधना करें। जिस किसी के घर यदि मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना होती है तो उसकी विधि विधान के साथ पूजन करें। जिन लोगों के घर पर मां नवदुर्गा की स्थापना नहीं होती है, वह लोग अपने घर में दीपक जलाए मां नवदुर्गा की फोटो की पूजा अर्चना कर आराधना करें, जिससे आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जिन घरों में मां नवदुर्गा की प्रतिमा की स्थापना नहीं होती है, उन घर और वह परिवार अपने कुल स्वामिनी की पूजा अर्चना आराधना करने के लिए अपने वरिष्ठों के यहाँ पर पहुँचते हैं। उनके यहाँ पर कुल स्वामिनी माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से साथ साथ सभी लोग अपने घर परिवार में भी मां नवदुर्गा की आराधना करें, जिससे आपके घर परिवार में सुखमय आनंद बना रहे। जब लोकल 18 की टीम ने पंडित संदीप भाले से मां नवदुर्गा की आराधना को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, जिस किसी भी भक्त के घर पर पुरानी परंपरा के अनुसार पूजन होता है, वह भक्त अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना करे, और जिन भक्तों के घर पर मां नवदुर्गा की मिट्टी से बनने वाली प्रतिमा की स्थापना नहीं होती है, वह अपने घर पर दीपक जलाकर मां नवदुर्गा का छायाचित्र रखकर आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। गणेश जी की स्थापना होती है, कई स्थानों पर मिट्टी की घरों में प्रतिमा की स्थापना नहीं होती, कई जगहों पर धातु की घरों में स्थापना होती है, और जिन घरों में नहीं होती है तो वो उनको क्या विधि रहेगी, कैसे पूजा अर्चना करना चाहिए मानो? नवरात्र जो है अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को बैठता है, और जैसे जनरल में तो पांडालों में अपन देखते हैं कि वो माता जी को स्थापित करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनसे पूजन पाठ करवाते हैं, विधि करवाते हैं, इस प्रकार से सब वो देखा है। लेकिन इससे भी बढ़ के पूर्व पार से लगभग प्राय प्राय जो परिवार के अंदर संस्कार है या नियम बने हुए हैं, उस नियम के हिसाब से घर घर में पूजा पाठ तो होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो है वो दुर्गा स्वरूपा है। दुर्गा माता की हर नवरात्र में हर कोई पूजा करता है। पूजा करने के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी के यहाँ पर उपवास करते, किसी के यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते, किसी के यहाँ पर अष्टमी की पूजा सिर्फ करते, किसी के यहाँ पर नवमी की पूजा करते हैं। अलग अलग लोगों के यहाँ पर अपने अपने कल्चर के हिसाब से पूजन संबंधित विधि होती है, लेकिन प्राय प्राय सभी लोगों के यहाँ होती। और अब जैसे क्या है, परिवार के अंदर बड़ा कुटुंब है, और बड़े कुटुंब के अंदर देवी जो मुख्य घर है वही है और बाकी लोगों के यहाँ नहीं है, तो वो वहां जाते हैं या वहां जाना चाहिए जहाँ कुल की माता है, वहां धोख देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, या उनके कुलाचार के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। अलग से किसी प्रकार का कार्य शुरू करना योग्य नहीं मानते, जो होते आ रहा है वो करना चाहिए। हाँ, आपको आराधना जरूर करना चाहिए। कुल माता एक जगह होगी, जो मुख्य घर है वहां होगी, लेकिन आराधना सब जगह होगी। दुर्गा माता का जो मंत्र है दुम दुर्गा ये नमः, इस मंत्र का निरंतर पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीन देवियों का समावेश दुर्गा देवी में है। महाकाली का काम है वो शक्ति की दाता, हमारे शरीर का रक्षण संरक्षण करने का दायित्व तो महाकाली का है। महालक्ष्मी पैसे की दाता, हमको जो समृद्धि वैभव ऐश्वर्य जो प्राप्त होता है वो महालक्ष्मी की कृपा से होता है। महासरस्वती बुद्धि की दाता, अगर हमारे पास में उत्तम अच्छी बुद्धि होगी तो हम जीवन में आए हुए जीवन का निर्वहन अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसलिए शक्ति भी प्राप्त हो, पैसा भी प्राप्त हो और बुद्धि भी प्राप्त हो, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी कामना पूर्ति के हिसाब से
त्रिगुणात्मिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा दुर्गा देवी का पूजन आराधना जाप ताप ये सब करना चाहिए। कैसे पूजन विधि रहेगी यदि कोई घर में पूजा करना चाहता है आराधना करना चाहता है तो क्या पूजन विधि रहेगी? जिनके यहाँ अखंड दीपक है वो तो दीपक प्रज्वलित करे, नहीं किसी प्रकार की प्रथा लगाना यथा योग्य नहीं है, क्योंकि हमेशा निभना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। सादा भगवती के सामने दीपक प्रज्वलित करे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, नवारण मंत्र का जाप करे, बीज मंत्र का जाप करे, एक टाइम फलहार ले, एक टाइम भोजन करे, भगवती की मनोभाव से पूजन करे, उनको जो हार पुष्प चढ़ते हैं वो ला करके रखे, भगवती को अर्पण करे, साथ में कुछ फल नित्य नियम से भगवती को अर्पण करे। इस प्रकार का पूजन आराधना उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।